डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि कौन सी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकती हैं। और सबसे ज़्यादा जो जिसको हम फेस करते हैं वो है हार्ट की डिजीज़, जो जिसकी वजह से जो है ना अमवात का रेशो ज़रा ज़्यादा है। लेकिन देखिए, मेरे पास कुछ दिन पहले मेरे से कारी साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी मेरे बेटे को दीवार के साथ चोट लगी और डॉक्टर साहब कल रात को लगी थी, अब सुबह में बाकी तो वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल उसको कोई नज़र नहीं आ रहा कुछ नहीं, लेकिन वॉमिटिंग बहुत उल्टी बहुत कर रहा है। तो मैंने उसे कहा कि इमीजिएटली तुम राशिद हॉस्पिटल की इमरजेंसी में दुबई में चले जाओ और क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर वो मुसलसल वमिट कर रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ उसको कुछ हेमाटोमा या कुछ डिवेलप हुआ है दिमाग के अंदर। तो वो उनको इमीजिएटली ले गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इवन लोग सामने बिल्कुल बज़ाहिर सही नज़र आ रहे हो, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं यानी कुछ बेख्याली में कुछ पी लेते हैं या कुछ उनसे खा लिया जाता है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। और स्पेशली दिल के अमराज के बारे में अगर आप कुछ एहतियात कर लेते हैं, जैसे हेल्दी लाइफ गुजारें, जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप अच्छा फूड खाएं, आप जो हैं बहुत सारे, जैसे आप खुश रहने की कोशिश करें, सोशलाइज़ करें अपने आप को, लोगों के साथ घुल मिल के रहें, लोगों की आदत करें, लोगों की दुआएं लें, लोगों के साथ जो है ना आप अपने पड़ोस में मिलने जाएं, ईद पे दूसरे त्योहारों पर उनको मुबारकबाद भेजें, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक सोशलाइज हो जाते हैं और आपकी जो है ना बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। स्पेशल लेकिन अगर आप दिल की बीमारी हो ही गई है और किसी को अचानक हार्ट फेल हो गया है या उसको अचानक दिल में तकलीफ हुई है, तो सबसे पहले तो इसकी निशानी क्या होती है, क्योंकि लोग मैदे के दर्द को भी समटाइम दिल का समझ लेते हैं। एक तो इसकी निशानी क्या है दिल के दर्द की, और फिर फौरी तौर पर डॉक्टर तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जो टिपिकल चेस्ट पेन होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि जी ये हार्ट अटैक हो रहा है किसी को, तो उसमें स्पेशली सीने के अंदर दर्द होता है, पेशेंट कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, फिर उसके अलावा जो है पेशेंट को स्वेटिंग हो रही होती है, पेशेंट का मुंह ड्राई हो रहा होता है, उसके अलावा जो है उसको घबराहट हो रही होती है, उसके अलावा उसकी सांस में तकलीफ़ हो रही होती है और पेन रेडिएट करता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट कहता है कि थोड़ा सा रेस्ट करने से थोड़ा सा आराम मिलता है लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा है। सेकेंडली एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप उससे पूछते हैं कि चलने से दर्द कितना कम होता है या ज़्यादा, अगर वो कहता है कि चलने से मेरा दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो इट मींस कि आप इसे मैदे का दर्द ना समझें, इसको सीरियस लें। और स्पेशली जब वो ये सारी अलामत भी साथ में बताएं कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे ठंडे ठंडे पसीने आ रहे हैं, मेरे सीने में यहाँ बहुत सख्त दर्द हो रहा है, मुझे बहुत कंजेशन सी महसूस हो रही है, और ये जो है ना मेरा कोई दर्द जो है रेडिएट कर रहा है राइट लेफ्ट में, बैक साइड पे भी होता है, कहीं भी जा सकता है, रेडिएट कर सकता है राइट लेफ्ट में, बैक की तरफ भी, आपके जबड़ों में भी जा सकता है। तो ये सारी मतलब वो अलामत होती है, लेकिन इसकी डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसको फौरन इमरजेंसी, देखिए हमारे पास यहाँ बहुत सहूलतें हैं कि आप 999 पे रिंग करें और आपको इमीडिएटली एम्बुलेंस आ जाती है जो फौरन आपका ECG कर लेती हैं, आपकी जो है ना आई आपको शिफ्ट कर देती हैं हॉस्पिटल की इमरजेंसी में। तो अपने घर में भी बैठे बैठे अगर आपको कभी हो तो आप फौरी तौर पर 999 पे रिंग करें और इनसे कहें कि लेकिन अगर उस वक्त तक भी 999 या जो इमरजेंसी की सर्विस के आने से पहले भी फौरी तौर पर, कुछ तो होता है कि 5 मिनट में 5 सेकंड में काम तमाम हो जाता, तो जैसे ही फील हो कि ऐसा हो गया तो उस वक्त कौन सी दवाई लेनी चाहिए। एक तो ये करना चाहिए कि उसे कम्फर्टेबली लिठाना चाहिए, उसका सांस और उसका उसे वो करना चाहिए कि वो सांस यानी सकून से सांस लें और उसे ज़्यादा हिलाई जुलाई नहीं, उसको आराम सुकून दे दें। प्लस अमूमन हम लोग एस्प्रिन जो है ना, हम कहते हैं चलें जी एस्प्रिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है, तो आप एक एस्प्रिन रख लें और उसको जो है ना आप जिसको हम डिस्प्रिन कहते हैं या एस्प्रिन कहते हैं या कुछ और नाम से भी आता है, तो वो भी अगर वो लोग वो इस्तेमाल कर लेंगे तो किसी हद तक गुजारा हो जाता है कि आपको यानी उसको आप, लेकिन बहरहाल आप उसको एंजाइना के पेन को सिर्फ एस्प्रिन से रिलीव नहीं कर सकते, डेफिनेटली आपको फौरी तौर पर इमरजेंसी को कॉल करना पड़ेगा। एस्प्रिन से तकरीबन हमें 1-2 घंटे मिल जाते हैं और वो कैसे ये कहना ज़रा मुश्किल होगा कि 2 घंटे मिल जाएंगे, लेकिन किसी करता है कंडीशन पर डिपेंड करता है, अगर वो सांस से चबा के खानी है या कैसे खानी, वो अगर वैसे भी पानी में घोल के भी वो अक्सर जो है ना डिस्पर्सिबल होती हैं, आप पानी में घोल के भी पी सकते हैं, आप नॉर्मली वैसे ही पानी के साथ खा सकते हैं, विद इन हाफ मिनट्स जो है वो अपना एक्शन शुरू कर देता है, मैंने तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो कम से कम एटलीस्ट डिस्प्रिन एस्प्रिन अपने घर में हो तो भी थोड़ा सा टाइम मिल ही जाता है। बड़े उम्र के जब आपके घर में बड़े उम्र के लोग आ जाएं या आपके घर में जो है ना कोई ऐसी डिजीज
के मरीज़ हों, जिनको क्रॉनिक डिजीज़ हो, जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, जैसे उनको ब्लड प्रेशर हो, जिनको कोलेस्ट्रॉल हो, उन लोगों के लिए आप अगर एक आध एस्पिरिन अपने घर में रख लें तो मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। अगर वो एक एस्पिरिन खा लें और उनको कभी किसी एस्पिरिन, तो ये शुगर वगैरह और जो कोलेस्ट्रॉल और दूसरी होती है उनको भी वक्ती तौर पर रिलीफ देती है? नहीं, उन बीमारियों को रिलीफ नहीं देती, चूँकि ये बीमारियाँ पेशखेमा हैं, यानी इट्स दीज कंडीशंस यू नो कैन कॉजेस मोर मॉर्टेलिटी दिल की तरफ से या किसी और की तरफ से, फालिज की तरफ से या किसी, तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप एक एस्पिरिन अपने घर में रख लें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन एस्पिरिन को हर दफ़ा नहीं खाना चाहिए, निहार पेट नहीं खाना चाहिए, भरे पेट से खाना चाहिए। लेकिन अगर इमरजेंसी है, उस वक्त कुछ खाया नहीं हुआ, तो वक्ती तौर पर तो एक आध बार तो ले सकते हैं। इमरजेंसी में आपने कुछ भी नहीं खाया हो तो अगर आप एक गिलास दूध पिला दें, आप थोड़ी सी जूस पिला दें और फिर उनको एस्पिरिन दे दें, तो भी वो निहार पेट नहीं रहा, मतलब फास्टिंग में नहीं हुआ। समझ गया, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, अब दूसरी जो सबसे बड़ी दवाई है वो है एस्पिरिन, आपको ये भी घर में ज़रूर रखनी है। अच्छा, लेकिन बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है, सारी दवाइयाँ बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है और आपने अपने हाथ से देनी है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बताया कि एक तो एस्पिरिन घर में रखनी है और साथ ही बच्चों की पहुँच से दूर भी रखनी है। तो यकीनन आपको इस इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। अगले प्रोग्राम तक आमिर हबीब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।